हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको आज की बिल्कुल ताजा खबर देने जा रहा हूं, जिसके लिए बहुत दिनों से आपको इंतजार था कि आईटी कोई सिलेबस में नया ऐड करने जा रहा है या कुछ नया हटाने जा रहा है। पुराने सिलेबस को कुछ हटाया उसने, कुछ आईटी ने नई चीजों को ऐड किया। मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या टॉपिक उसने ऐड किया है नए सिलेबस के लिए 2018 के लिए और क्या टॉपिक को हटाया गया है। मैं तीनों कंडीशन बात करूंगा आपसे, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और मैथ का भी। सबसे पहले मैं मैथ का डिस्कशन कर देता हूं आपसे। जैसा कि आप मैथ में पढ़ते थे टॉपिक अब तक एडवांस के लिए टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल को, आपको मैं बता दूं 2018 जेई एडवांस का जो एग्जाम आईटी कानपुर कंडक्ट कर रही है उसमें 2D और 3D, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन को हटा दिया गया सिलेबस से। ये तो कंडीशन मैथ का है। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में हटाने के बजाय एक चैप्टर को ऐड किया गया है। आप सोच रहे हो सर चैप्टर क्या है, वो चैप्टर है थर्मल फिजिक्स के नाम से। बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं आपको कि थर्मल फिजिक्स फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक जोड़ा गया है। और अगर मैं अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर भी एक खुशखबरी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को ऐड किया गया है। जानेंगे टॉपिक का, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो आप पहले फिजिक्स के अंदर पढ़ते थे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, अब आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। अब आपके अंदर एक जिज्ञासा जगेगी कि सर नया सिलेबस में ऐड हुआ है पार्ट, तो एडवांस के लिए हमें उसके अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो आप पढ़ेंगे। सबसे पहला कंडीशन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सारे कंडीशन। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कंडीशन इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं वो रेडियो एक्टिविटी के अंदर हम लोग हाफ लाइफ वगैरह का भी कंडीशन देखेंगे। आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा कंडीशन की कैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो रेडियो एक्टिव जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। वो सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए बहुत बहुत खुशखबरी है कि आपको सिलेबस अभी से पता चल गया है और मैं रिसेंट और आपको बिल्कुल करेंट न्यूज दे रहा हूं। आप जरूर इसको देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत जरूरी चीज है। आपको पता होना चाहिए जिस एग्जाम को आप लिखने वाले हैं उस एग्जाम में सिलेबस क्या नया कुछ है। तो मैंने आपसे तीन बातें बोली, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ के अंदर बोला कि 2D 3D को हटाया गया है, फिजिक्स के अंदर इन किया गया है, बिल्कुल है एंडोथर्मिक प्रोसेस की तरह, बिल्कुल एंडोथर्मिक प्रोसेस की तरह एक चैप्टर को एंड कर दिया गया है। क्या है इन किया गया चैप्टर को, मैंने बोला थर्मल फिजिक्स। और केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर ऐड हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से। तो ये तीन बातें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपको रिसेंट कंडीशन याद होना चाहिए, रिसेंट कंडीशन पता होना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है और 2018 में जो आप तैयार हो रहे हैं बिल्कुल एकदम मिशन 2018 के लिए बिल्कुल जोर शोर और फुल एनर्जी के साथ लग जाइए। वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने आप को IIT कॉलेज में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।